मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जहां प्रदेश में सभी दल उपचुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने सूबे की हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए मधुपुर उपचुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री रहते तमाड़ से शिबू सुरेन चुनाव हार गए थे, उसी तरह मंत्री हफीजुल हसन भी मधुपुर उपचुनाव हार जाएंगे। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन की जीत तय है। जनता इस बार फतह हासिल करेगी और भारतीय जनता पार्टी के पास कि सब कार्यकर्ता यहाँ के पब्लिक की जो भावना थी उसको ध्यान में रखकर के हम सब लोगों ने पार्टी में विचार। तो जब से बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तब से वो बहुत ही तरह की उटपुटांग बातें करके सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में आना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनकी स्थिति साफ सुथरी। रोहतास के डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह अपने एक निजी होटल में होली को लेकर सारी मर्यादा तार तार कर रहे हैं। होटल में बार बालाओं के डांस का आयोजन किया गया और इस मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को संबोधित कर बनाए गए गानों पर बार बालाएं बालाओं का जमकर डांस हुआ और इस दौरान जमकर अश्लीलता परोसी गई। आप तस्वीरों में खुद देखिए कि किस प्रकार आरजेडी और लालू प्रसाद यादव को संबोधित करता हुआ गाने पर बार बालाएं ठुमके लगा रही हैं। बता दें कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह के होली मिलन या सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके ना तो यहाँ मास्क जरूरी है और ना तो 2 गज की दूरी है। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कला संस्कृति प्रकोष्ठ ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मंच से जुड़े कलाकारों को सम्मानित किया गया। यही नहीं, 30 कलाकारों को कला संस्कृति प्रकोष्ठ बीजेपी की ओर से होली के अवसर पर आर्थिक सहायता भी दी गई। मौके पर कलाकारों ने होली गीत गाकर और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। ढेरों शुभकामना आप सभी के दर्शकों को जो भी देख रहे हैं। हम कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कुछ कलाकार हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों से एक मिलन का कार्यक्रम था, मिलकर होली आज मनाया है और होली की ढेरों शुभकामना के साथ। पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और बगहा विधायक राम सिंह के नेतृत्व में होली मिलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने होली की पूर्व संध्या पर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं मौके पर कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए बीजेपी नेताओं ने लोगों से सामाजिक दूरी बरतते हुए सावधानीपूर्वक पर्व मनाने की अपील की है। झारखंड के गुमला में बीजेपी ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष किरण बाड़ामाला, पार्टी के जिलाध्यक्ष अनूप चंद अधिकारी के साथ साथ बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान नेताओं ने लोगों से कोरोना संबंधित गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए होली खेलने की अपील की। सैनिटाइजर, मास्क, सारा चीज का पालन करते हुए होली का त्यौहार मना रहे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी गुमला जिला की ओर से कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, इसमें हम लोग सारे लोग सम्मिलित हुए हैं और आने वाला दिन में निश्चित रूप से कोरोना काल में हम लोग सभी को सावधानी का आवश्यकता है, उस सावधानी बरतने का हम निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं। अरवल जिले के कलेर प्रखंड क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी यूनुस सलीम और थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने होली और शबे बारात पर्व को लेकर क्षेत्र का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने इलाके के दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में दोनों ही पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने पर विचार विमर्श किया गया। होली का खुमार आम लोगों के साथ साथ कानून की रखवाली करने वालों पर भी बखूबी चढ़ रहा है। ताजा मामला भागलपुर के पुलिस लाइन का है, जहां वर्दी के इज्जत की धजियां उड़ा रही है महिला पुलिसकर्मी अश्लील गानों पर डांस कर रही है।
जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। हालांकि नेशन न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताते चलें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के पहले मामले भी सामने आते रहे जहां पर पुलिसकर्मी वर्दी की गरिमा को तार तार कर चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला कंकड़बाग थाना इलाके का है, जहां एक युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पीछे झाड़ियों के पास से बरामद किया। युवक के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान हैं। मृतक की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। वहीं मृतक की उम्र करीबन 22 से 25 साल के बीच की बताई जा रही है। झारखंड के गिरिडीह जिले में दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मामला तीसरी थाना क्षेत्र के खिड़किया मोड़ की है, जहां शनिवार की देर रात एक मकान में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरा मकान पल भर में धराशाही हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट की जानकारी के बाद पहुंचे SP अमित रेणु ने बताया कि जांच के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा हो पाएगा। आपको बता दें कि जिस मकान में विस्फोट हुआ वह बुधन राय नामक शख्स का है। बताया जा रहा है कि देर रात परिवार के लोग खाना खाकर सोने चले गए और इसी दौरान घर में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। सहरसा के शिवपुरी त्रिमूर्ति चौक के पास जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। यही नहीं, मारपीट के दौरान दोनों पक्षों की ओर से दर्जनों राउंड गोलियां भी चली, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब की बोतलें समेत कई अन्य चीजें बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी छानबीन में जुटी है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये भूमि विवाद का मामला है। 5 बजे सुबह ही दो पक्षों में मारपीट हुई है भूमि विवाद को लेकर के। इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे किन्हीं को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं नहीं, पुलिस पहुंची है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस के जाने के उपरांत ही सबको शांत किया गया और उसमें भागा है सब।